दी है, उन्होंने किस तरह का आचरण सदन में प्रस्तुत किया है। और यह विधेयक जो सरकार लेकर के आई है, माननीय सभापति महोदय, 2022 के बजट में कोटा और उदयपुर के विकास प्राधिकरण लाने की घोषणा की गई थी, लेकिन विभाग की गति इतनी धीमी रही कि आज सवा साल के बाद ये कानून। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, मैं इनके कष्ट की भर्त्सना करता हूँ, लानत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को जनमत जाने हेतु परिचय, जो पक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहाँ गए, ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जाने हेतु परिचय करने का संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 को विचाराधीन लिया जाए, जो पक्ष में वहाँ गए, विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचाराधीन लिया गया। मुख्यमंत्री कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023 में पारित किया जाए। रामलाल मीणा, मेरे को जरूरी है, ये जो बिल है ये अलग अलग जिलों से संबंधित है और इसके बारे में विचार विमर्श भी नहीं किया गया, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए, क्योंकि ये इसमें आगे जा कर के जिलों में विद्रोह होगा और नुकसान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, माननीय मंत्री जी से, इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जावे। अध्यक्ष।